एक हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन है रेडमी, रेडमी का ये पोको का M3 मोबाइल फ़ोन है। इस M3 मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि मतलब इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? FRP लॉक का मतलब होता है किसी पर्सन ने इसको मोबाइल फ़ोन को रीसेट कर दिया, तो रीसेट करने के बाद वो बोलता है पासवर्ड डालो, पासवर्ड नहीं पता तो वो जीमेल अकाउंट मांगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी लॉक को तोड़ेंगे। अब सबसे पहली बात FRP क्या है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कैसे FRP लगा हुआ है। जब टूट जाएगा तो मैं वो भी दिखा देता हूँ तुमको। ये बोला है पासवर्ड, पासवर्ड के बाद आपको क्या करना है, या इंटरेस्टेड जीमेल में जाना है। अब ये बोला है जीमेल आईडी पासवर्ड, जैसे जीमेल आईडी पासवर्ड डालोगे तभी आगे जाने देगा, नहीं तो आगे जाने नहीं देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, फोन को पहले बंद करना है। जब फोन को बंद कर लोगे, फोन बंद करने के बाद गूगल पे इसका EDL पॉइंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? EDL पॉइंट। अब इसका EDL पॉइंट क्या है, जहां पर ऑन ऑफ स्विच का पता लगता है वहीं पर दो पॉइंट दिए हैं, उनको EDL पॉइंट बोलते हैं। उससे पहले मोबाइल फोन को कनेक्ट कराएंगे। मोबाइल फोन कनेक्ट कराने के लिए आपको इसमें जाना है, डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर में जाके मोबाइल फोन कनेक्ट कराना है। हमको डाटा केबल चाहिए टाइप सी के, टाइप सी के डाटा केबल दीजिए कोई ओरिजिनल। FRP हटाने का मार्केट में 150-200 रुपए तक लिया जाता है, डिपेंड करता है फोन के ऊपर। हम लोग क्या करेंगे, डाटा केबल लिया, पहले इसके दोनों पॉइंट को शॉर्ट कराएं, फिर डाटा केबल लगाना है। जैसे दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके आप लगाएंगे तो यहाँ पर कनेक्टिविटी भी आएगी। ये दोनों पिन को हमने ऐसे टच किया, टच करने के बाद इसको हमने लगाया। अब फिर उसके बाद जब आप सिस्टम पे देखेंगे, कहाँ पर सिस्टम पे देखेंगे तो सिस्टम पे कनेक्टिविटी आ जाएगी। कोड बनाया COM4, COM4 का मतलब होता है इसने मोबाइल फोन को कनेक्ट कर लिया। जब मोबाइल फोन को कनेक्ट कर लिया तो इसको मिनिमाइज करिए। आप अपने सॉफ्टवेयर में जाइए, रीड एंड टूल में जाइए, जेनेरिक कॉलिंग काम एनी मॉडल को रहने दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर रीसेट FRP भी क्लिक करिए, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मेट करने की जरूरत है नहीं। इसमें क्या लगा हुआ है, सिर्फ FRP। ओके किया, ओके करने के बाद सॉफ्टवेयर आगे चलेगा। यहाँ पर COM4 लिख के आया तो समझ जाइए कि इसने आपके ही मोबाइल फोन को पकड़ा हुआ है। देखो इस तरीके से वीडियो बनाने का मतलब रहता है कि ताकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके पास कल को कोई मोबाइल फोन आएगा तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले क्या करना है, पहले कनेक्ट कराना है फोन, फिर देखना है कौन सा नंबर दिया, फिर उसके बाद कौन से फंक्शन में क्लिक करना है। रीसेट FRP लिख के आ रहा है, डन। लग खुल गया, आप इसको हटा दीजिए। देखिए मोबाइल फोन दोबारा चालू हो गया। ये डोंगल के माध्यम से हम लॉक खोल सकते हैं, और डोंगल को नेट की कोई जरूरत नहीं है। अनलॉक टूल होता तो इंटरनेट चाहिए, और इसको बिना इंटरनेट से काम कर सकते हैं। अभी MIUI लिख करके आया है, अभी पूरा आगे बढ़ेगा। कनेक्ट है, आगे किया, जब FRP टूट जाएगा तो वहां पर स्किप का ऑप्शन हाईलाइट होगा। पहले स्किप का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा था, अब आप देखेंगे तो स्किप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, FRP बाईपास हो गया। तो पहले स्किप का ऑप्शन नहीं आया, तो स्किप का ऑप्शन आने लगा। स्किप का ऑप्शन आते ही मतलब FRP टूट गया।
ये हमारा पूरा मोबाइल फोन ऑन हो गया। ये लॉक हो गया। ठीक है, तो ये हमारे मोबाइल फोन में FRP तोड़ने का तरीका क्या है। FRP, इस FRP को हम लोग किसके माध्यम से बाईपास कर सकते हैं, डोंगल के माध्यम से। तो कोई भी डोंगल मतलब UMT डोंगल के माध्यम से आप कोई भी क्वालिकॉम जो CPU लगा है जिसके अंदर रेडमी का फोन है, तो आपको मॉडल लेने की जरूरत नहीं है, बस खाली जाकर अगर रीसेट FRP पे ओके करिए, आप FRP क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, आपका लॉक खुल गया। आपको